हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सर्वेश कुमार यादव, टीम बोटनी, सीएलसी सीकर। तो आज हम मिड सेशन टेस्ट सीरीज पेपर 7th उसका सॉल्यूशन कवर करेंगे। और जैसा कि आपने पेपर कवर भी किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा, इस पेपर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उनको अपन ने कवर किया है और अब इसका अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो टोटल आपको पता है इसमें क्वेश्चंस 55 है, तो एक एक क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उनके कॉन्सेप्ट वगैरह एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, तो एक बार थोड़ा सा आपका वापस क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोसाइड है। तो वेरी सिंपल, आपने न्यूक्लियोटाइड के टाइप्स, उसके कंपोनेंट्स स्टडी किए होंगे, आपको मालूम है बेटा जो एंटिटी होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, उसके तीन कंपोनेंट हैं, फॉस्फेट, शुगर एंड बेस। ओके, जो बेस और शुगर हैं उनको अगर आप कंडेंस कर दें तो दैट इज न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट को अटैच कर दोगे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। बेस की अगर बात करें तो आप जानते हो बेटा बेस के 5 टाइप होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है न्यूक्लियोसाइड, विच इज न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड कौन सा होगा बेटा, एडिनिन जो है वो होता है बेस, तो ये नहीं हो सकता, एडिनाइलेट इज न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन ये भी क्या है, बेस है। हियर साइटिडिन, जो साइटिडिन होगा वो क्या होगा आपका, न्यूक्लियोसाइड। तो आपको आंसर क्या करना है यहां पर, साइटिडिन, बिकॉज साइटिडिन इज मेड अप ऑफ साइटोसिन प्लस राइबोज शुगर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, एंड इस न्यूक्लियोसाइड का नाम भी क्या है, साइटिडिन। ओके, तो आपका क्वेश्चन हो गया निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, तो आंसर क्या जाएगा, साइटिडिन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहले आपको स्टेटमेंट को कंसिडर करना है, फिर सेलेक्ट ऑप्शन को जो है, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। बिल्कुल सिंपल है, देखो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, न्यूक्लिक एसिड इज ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। बिल्कुल सही है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो सभी जीवों में बिना किसी अपवाद के किसका कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ का। आनुवंशिक पदार्थ कौन होगा, हमेशा न्यूक्लिक अम्ल ही होगा बेटा, न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये करेक्ट है, न्यूक्लिक एसिड इज कैपेबल टू स्टोर, एक्सप्रेस एंड ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही है, न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं उनको स्टोर करेगा, एक्सप्रेस भी करेगा और उनको आगे ट्रांसफर भी करता है, तभी तो ये जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन कर रहा है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल है, स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, आंसर विल बी 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सिंगल टर्न ऑफ डी एस डी एन ए कंसिस्ट 3 एडिनिन मॉलिक्यूल देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ गुआनिन मॉलिक्यूल इन दिस टर्न। बिल्कुल सिंपल है, अपन बात करें एक कोई डीएस डीएनए है बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो आपको पता है जो डीएस डीएनए होता है उसमें एक टर्न की बात करूं मैं, सिंगल टर्न उसी की बात कर रहा है ये, तो एक टर्न में आप जानते हो बेटा 10 बेस पेयर होते हैं, कितने, 10 बेस पेयर, और टोटल बेस कितने हो गए, 20 बेस, टोटल बेस कितने, 20। अब क्वेश्चन पे चलो, अगर एक टर्न में 3 एडिनिन है, एडिनिन का नंबर कितना बताया है, एडिनिन, नंबर ऑफ एडिनिन 3, तो यहां 4 गाफ का रूल अप्लाई कर दो, इसका मतलब आपका थाइमिन जो है उसका नंबर भी कितना होगा बेटा, 3। अब गुआनिन और साइटोसिन की बात करें तो देखो बेटा टोटल कितने बेस है, 20 बेस है एक टर्न में, तो 20 में से 3 एंड 3 बोले तो 6 तो क्या हो गए, 80 हो गए, आउट ऑफ 20 बचे कितने आपके, 14, 14 में 7 गुआनिन और 7 क्या होंगे, साइटोसिन। अब देखो इधर आपको क्वेश्चन के आंसर पे जाना है, इसने पूछा क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ गुआनिन मॉलिक्यूल इन दिस टर्न, तो इस टर्न में, एक टर्न में गुआनिन का नंबर कितना होगा बेटा, 7 होगा, तो आंसर विल बी 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following statement is incorrect about the double helix structure of DNA? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपने पूरा इसको स्टडी कर रखा है बेटा, वॉटसन क्रिक मॉडल पूरे जो है कॉन्सेप्ट है क्लियर होने चाहिए आपके, उसको एक्सप्लेन किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, बिल्कुल क्या है सही स्टेटमेंट है, दोनों जो है कौन से फैशन में कॉइल्ड होती है, राइट हैंडेड बोले तो दक्षिणावर्त। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, जो हेलिक्स है उसकी जो पिच है, एक टर्न की अगर मैं बात करूं, एक टर्न तो आप बताओ बेटा उसमें कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, ऑब्लिक 3.4 नैनोमीटर, एक ही बात है, 34 एंगस्ट्रॉम को आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। तो इसने क्या बोला है 3.4 नैनोमीटर, तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये भी क्या है करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। द रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्म, बिल्कुल करेक्ट है 10 बेस पेयर होते हैं। बोथ स्ट्रेंड्स आर एंटी पैरेलल, सही एंटी पैरेलल होती हैं, एंड आइडेंटिकल टू ईच अदर, बेटा ये गलत हो गया, दोनों स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं क्योंकि दोनों की जो पोलरिटी है वो अपोजिट है, बट एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होती है क्योंकि दोनों का सीक्वेंस बेस सीक्वेंस क्या है डिफरेंट है। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा आपका इनकरेक्ट, और पूछा भी क्या है इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स वाला गया। द ए चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द बी चार्ज्ड स्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल सिंपल है, न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट आपको पता है बेटा, ये स्टोन ऑक्टामर होता है और इस ऑक्टामर पे कौन कॉइल्ड होगा बेटा डीएनए, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज एंड स्टोन ऑक्टामर इज पॉजिटिव चार्ज, तो बड़ा सिंपल हो गया ए, तो यहां पर किसकी बात कर रहा है ये चार्ज डीएनए, ऑब्वियसली ये है नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो ए और बी जो है यहां पर क्या है बेटा रेस्पेक्टिवली ए नेगेटिवली एंड बी पॉजिटिवली चार्ज रेस्पेक्टिवली। ओके तो सीधा आंसर क्या करोगे आप फर्स्ट, समझ में आ गया ना, नेगेटिवली चार्ज डीएनए और ये क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन फॉर कंडेंसेशन ड्यूरिंग प्रोफेज आर, अच्छा क्वेश्चन है सुनो, अपन सीधा अपन बात कर रहे हैं कि आपका जो क्रोमेटीन है उसका करवाना है नेक्स्ट हायर लेवल पे कंडेंसेशन, पैकेजिंग करवानी है, और ये कब होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड इन प्रोफेज, प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है। तो आप बताओ बेटा जब आपको कंडेंसेशन करवाना है क्रोमोजोम में कन्वर्ट करना है तो एडिशनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, दोज आर नॉन स्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, और ये याद रखना पड़ेगा जो नॉन स्टोन प्रोटीन होती है वो होती है बेटा नेगेटिवली चार्ज्ड, तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे प्रोफेज आर नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन दैट आर नेगेटिवली चार्ज, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, बाकी नहीं हो सकता पॉजिटिवली होनी होती, स्टोन का कोई रोल नहीं है प्रोफेज में, स्टोन प्रोटीन यूज नहीं आएंगे वो नॉन स्टोन प्रोटीन यूज आते हैं, स्टोन प्रोटीन तो पहले ही बाइंड हो चुकी है, स्टोन नॉन स्टोन ये भी नहीं होगा, तो सीधा आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टिपिकल न्यूक्लियोसोम सम रीजन्स रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड आर रिफर्ड टू, तो बेटा जो क्रोमेटिन है वो दो टाइप का होता है, अच्छा क्वेश्चन है इसको समझा देता हूं मैं, क्रोमेटिन टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन यू क्रोमेटिन एंड हेटरो क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन कौन होगा यूक्रोमेटिन दैट इज लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेन एंड हेटरोक्रोमेटिन इज डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टेन, तो इसने पूछा क्या है लूजली पैक्ड एंड स्टेन लाइट, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यूक्रोमेटिन दैट इज यूक्रोमेटिन। एक प्रारूपिक केंद्रक में क्रोमेटिन का कुछ भाग ढीला ढाला बंधित होता है जो कहलाता है यूक्रोमेटिन। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वॉज डिफाइंड बाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ है, तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने डिफाइन किया था बेटा, एवरी, मैकलियोड एंड मैकार्टी, बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर होता कौन है, ग्रिफिथ ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, वो एक्सप्लेन किसने किया था, एवरी, मैकलियोड एंड मैकार्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया, इनकरेक्ट मैचिंग में देखें बेटा, हीट सोक मेथड, तो जो हीट सोक मेथड है वो किसके लिए यूज करते हैं अपन, बैक्टीरियल सेल के लिए, तो बेटा ये तो करेक्ट मैचिंग है, माइक्रो इंजेक्शन फॉर एनिमल सेल, बिल्कुल करेक्ट है, बायोलिस्टिक मेथड फॉर प्लांट सेल, रेट्रोवायरस फॉर बैक्टीरियल सेल, दैट इज इनकरेक्ट मैचिंग, क्योंकि जो रेट्रोवायरस है उसका जो यूज है एज ए वेक्टर वो करते हैं पर किसके लिए बेटा, एनिमल सेल्स के लिए, तो यहां पर ये मैचिंग क्या हो गई, इनकरेक्ट, तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्डा फेज ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन डिजाइन किया है आपका, जो हर्शेचेस एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हो, तो लैम्डा फेज जो है, जैसे लैम्डा फेज की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा बेटा, डीएनए है, और ये कौन है आपका, प्रोटीन, दैट इज डीएनए। अगर आप उसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में क्या करवाओगे, ग्रो करवाओगे, तो उसने सिंपल लिखा है ना, लैम्डा फेज ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज, तो आपने ग्रो करवाया तो आपको जो लैम्डा फेज ऑब्टेन होंगे उनमें डीएनए तो रेडियो एक्टिव होगा बट प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी, तो सिंपल सा है बेटा, जो फॉस्फोरस है वो डीएनए में प्रेजेंट है और प्रोटीन में फॉस्फोरस क्या होती है, एबसेंट होती है, तो सीधा सा आंसर करेंगे अपन, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, तभी तो रेडियो एक्टिविटी किसमें डिटेक्ट होगी, डीएनए में, प्रोटीन में नहीं होगी, तो आंसर भी आपका सीधा हो जाएगा फर्स्ट वाला, समझ गए, बिल्कुल सिंपल है, हर्शेचेस एक्सपेरिमेंट से डिजाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, म्यूटेशन प्रॉपर्टी दोनों डीएनए आरएनए दोनों में होती है बेटा, बोथ आर कैपेबल टू म्यूटेट, आरएनए इज हाईली रिएक्टिव देन डीएनए, बिल्कुल करेक्ट है, आरएनए के पास बहुत सारे ओएच ग्रुप्स होते हैं, सो इट इज हाईली रिएक्टिव देन द डीएनए बट लेस स्टेबल देन द डीएनए, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, बिल्कुल सिंपल है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्टली कोड कौन करता है, आरएनए करेगा बेटा, जैसे एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम आया उसके बाद ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, तो ये भी करेक्ट हो गया, डीएनए एंड प्रोटीन बोथ लैक फॉस्फोरस, जस्ट अभी बताया था फॉस्फोरस जो है डीएनए में प्रेजेंट होता है बेटा बट प्रोटीन में एब्सेंट होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वाज शोन फर्स्ट इन इकोलाई बाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, सबसे पहले इकोलाई में इसको किसने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड को, मिजेलसन एंड स्टॉल, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट अबाउट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, रेप्लिकेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन निकाला गया है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इट इज हाईली एफिशिएंट एंजाइम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी जो पॉलीमराइजेशन रेट होती है बेटा बहुत ज्यादा होती है, इट यूजेज ए डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन, करेक्ट है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही बात है बेटा, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इनिशिएशन नहीं कर सकता, क्योंकि रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आरएनए प्राइमेज की, डीएनए पॉलीमरेज कैन कैटलाइज ओनली इलोंगेशन प्रोसेस बट नॉट इनिशिएशन, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी करेक्ट हो गया,
DNMPs are the substrate of DNA polymerase. बेटा स्टेटमेंट ये क्या हो गया? इनकरेक्ट, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज के जो सबस्टेट होते हैं वो होते हैं DNTPs, ट्राइफॉस्फेट वाले होते हैं, मोनोफॉस्फेट वाले नहीं होते। तो यहां पर क्या मेंशन कर दिया? DNMPs। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ना, तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। In which process the polymerization of nucleotides always occurs in 5 prime to 3 prime direction? बिल्कुल सिंपल है बेटा, जब भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है, या मैं बोल दूं न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब आपको यहां पर यह सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रोसेस में न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, आइदर डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड बनना चाहिए, तो देखो रेप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन, तो रेप्लिकेशन तो सही है, डीएनए बनेगा, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगा बेटा, क्योंकि ट्रांसलेशन में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो 5 टू 3 डायरेक्शन तो ना होती है, प्रोटीन में तो एन टर्मिनल टू 3 टर्मिनल होता है, तो ये नहीं हो पाएगा। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ये सही है, ये सही है, लेकिन ट्रांसलेशन फिर गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बन रहा है, मतलब दोनों ही प्रोसेस में न्यूक्लिक एसिड बनेगा, और डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ओनली इन रेप्लिकेशन बट नॉट इन ट्रांसक्रिप्शन। ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द लीडिंग स्ट्रेन फॉर्मेशन अकर्स। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, रेप्लिकेशन प्रोसेस बेटा आपने पढ़ा है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है आपका, ये देखो ये दो टेम्पलेट मैंने दिखाई है आपको, ये है 5 प्राइम, इधर होगा 3 प्राइम, 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन यही तो होता है बेटा, दैट इज कंटिन्यूअस फॉर्मड स्ट्रैंड इज लीडिंग स्ट्रैंड, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन। अब बताओ जो लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, ये देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, इधर क्या है? रेप्लिकेशन फोर्क, और ये क्या हो गया? अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। इसने पूछा क्या है? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन अकर्स, ये रहा बेटा लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन अकर्स, तो क्या बोलोगे बेटा? टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, लेकिन मेंशन क्या किया इसने? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, तो गलत हो गया ये, क्योंकि डायरेक्शन तो क्या होगी? 5 प्राइम टू 3, तो देखो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क गलत हो गया, अवे फ्रॉम नहीं होगा, टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट, और ये आपका आंसर होगा, देख लो टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क एंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पहले उनको कंसीडर करते हैं। इट लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, इट डिफाइन द कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, इट इज बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। अब पूछ रहा है अबव स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू, ये स्टेटमेंट किस से रिलेटेड है? तो वेरी वेरी सिंपल, ये स्टेटमेंट किस से रिलेटेड है बेटा? प्रमोटर से। किससे? प्रमोटर से, क्योंकि प्रमोटर जो है वो कहां लोकेटेड है? 5 प्राइम एंड पे इन अप स्ट्रीम, और ये ही प्रमोटर ही डिफाइन करेगा कि कोडिंग कौन होगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी होगी। तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना, रिलेटेड टू द प्रमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट अबाउट एक्सॉन। देखो बेटा आप स्प्लिट जीन की बात करते हो यूकैरियोट में, स्प्लिट जीन्स, तो जो स्प्लिट जीन होती है उनमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं, एक्सॉन फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, और एक्सॉन क्या होते हैं? कोडिंग पार्ट, और इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग पार्ट। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मैं क्वेश्चन पे आता हूं। दे अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो एक्सॉन है वो एमआरएनए में प्रेजेंट है। एमआरएनए क्या होता है? मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। दे आर कोडिंग और एक्सप्रेस सीक्वेंस, बिल्कुल सही है ये भी। इन मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सॉन आर इंटरप्टेड बाई इंट्रॉन्स, ये मैंने बताया मोनोसिस्टोनिक जीन में होते हैं, एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाई द
इंट्रोन्स, देख लो मोनोसेनिक जीनोम में एक्सोन इंट्रोन द्वारा अंतरापित है, इंटरप्टेड है, बिल्कुल सही है। रिमूवल ऑफ एक्सोन फ्रॉम स्प्लिट जीन कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा, एक्सोन को कभी भी रिमूव नहीं किया जाता, तो स्टेटमेंट क्या हो गया ये, इनकरेक्ट, और पूछा भी क्या है, इनकरेक्ट, तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो, ये हो गया सिग्मा और रो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और काफी बार आया हुआ है एग्जाम में भी, क्यों बाइंड हुआ ट्रांजिएंटली अस्थायी रूप से, क्योंकि सिग्मा की हेल्प से वो क्या करवाएगा, इनिशिएशन, और रो का किसमें रोल होगा बेटा, टर्मिनेशन में, तो सीधा आंसर पे जाओ, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रेस्पेक्टिवली, सिग्मा इनिशिएशन में हेल्प करेगी और रो जो है वो टर्मिनेशन में हेल्प करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन इज इनिशिएशन कोडोन, ये नीट का पेटेंट क्वेश्चन है, आता रहता है सर, तो इनिशिएशन कोडोन कौन होता है बेटा, एयूजी, एयूजी इज इनिशिएशन कोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, मैथ्यू मिजेलसन एंड स्टॉल लैकोपेरोन, इनकरेक्ट मैच है बेटा, क्योंकि लैकोपेरोन को डिस्कवर किसने किया था, जेकब एंड मोनार्ड ने, तो इनकरेक्ट हो गया मैचिंग, फ्रांसिस जेकब एंड मोनार्ड टीएमवी, ये भी इनकरेक्ट मैचिंग, हर्षे एंड चेस बैक्टीरियोफेज, बिल्कुल सही है बेटा, हर्षे और चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज को यूज लिया था, एलेक जेफरीज इलेक्ट्रोफोरेसिस, गलत हो गया, एलेक जेफरीज जो है उसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डेवलप किया था, तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना आपका, जो करेक्ट मैच है वो कौन सा हो गया, यहाँ पर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज नॉट यूज्ड इन मिजेलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, तो मिजेलसन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट में कौन सा परीक्षण में प्रयुक्त नहीं किया गया, तो मिजेलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है बेटा, उन्होंने इकोलाई काम में लिया था, नाइट्रोजन आइसोटोप काम में लिए थे, डेंसिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट किया था, सीजीएम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन काम में लिया था, देखो इकोलाई हो गया, नाइट्रोजन आइसोटोप भी हो गए, सीजीएम क्लोराइड ये सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, बट उसने बैक्टीरियोफेज को काम में नहीं लिया, तो देख लो ये पूछा है कि किसको यूज नहीं किया, तो आंसर क्या जाएगा आपका, बैक्टीरियो फेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इज मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, याद रखना है बेटा, जो आर आर एन ए होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है, उसके बाद में कौन होगा बेटा, टी आर एन ए, और सबसे लीस्ट अबंडेंट होता है एम आर एन ए, अबाउट 80-85% कौन होगा आर आर एन ए, तो मोस्ट अबंडेंट की बात की तो सीधा आंसर करोगे आप राइबोसोमल आर एन ए। ओके, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बीटी टॉक्सिन, इट एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन साइटोप्लाज्म ऑफ बीटी, बिल्कुल सही है बेटा, जो बीटी है बेसिलस थुरिंजियनसिस उसके साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी, इट कन्वर्ट इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलाइन पीएच इन द मिड गट ऑफ इंसेक्ट, देखो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मिड गट में क्या होगी बेटा, वो एक्टिवेट होगी ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच, इट कोडेड बाय क्राइजिन, बिल्कुल सही है, क्राइजिन उसको कोड करती है, इट किल द बीटी, इनकरेक्ट हो गया बेटा, पूछा भी क्या, इनकरेक्ट ये आंसर होगा, क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन है वो बीटी को किल नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो आंसर विल बी फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द लैकोपेरोन, लैकोपेरोन से रिलेटेड जो है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट आउट करना है,
इट कंसिस्ट वन रेगुलेटरी जीन एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो बेटा, एक रेगुलेटरी जीन है और तीन स्ट्रक्चरल जीन है, जेड वाई एंड ए. लैक्टोज और एलोलैक्टोज आर रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन. बिल्कुल सही है, बोथ आर एक्ट एज इंड्यूसर. जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, करेक्ट स्टेटमेंट है. लैक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद प्रमोटर एंड, तो ये बेटा यही गलत हो गया ना, जो आपकी लैक रिप्रेसर प्रोटीन है वो प्रमोटर से बाइंड नहीं होगी, ऑपरेटर के साथ बाइंड होती है, तभी क्या करेगी, लैकोपेरोन को ऑफ करवाएगी. तो यहाँ क्या लिखा है, लैक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद प्रमोटर, तो यही स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट. और आपका आंसर भी क्या होगा, फोर्थ. आउट ऑफ फॉलोइंग गिवन प्रोसेस हाउ मेनी अकर्स इन न्यूक्लियोप्लाज्म. बिल्कुल सिंपल है बेटा, सीधा सा पूछ रहा है आपसे कि जो प्रोसेस इसने बताए हैं इनमें न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन कौन होते हैं, बोले तो न्यूक्लियस के अंदर. तो बताओ बेटा, ट्रांसक्रिप्शन विद इन न्यूक्लियस हो गया ना बेटा, ये न्यूक्लियस में होगा. स्प्लाइसिंग भी न्यूक्लियस में ही होगी. आरएनए कैपिंग, आरएनए कैपिंग ये भी किसमें होती है बेटा, न्यूक्लियस में. ट्रांसलेशन ये साइटोप्लाज्म में होगा. रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में. आरएनए टेलिंग भी किसमें होगी, न्यूक्लियस में होगी. सिंपल है ना. अनुलेखन किसमें होगा, न्यूक्लियस में. ये स्प्लाइसिंग आरएनए संबंधन किसमें, न्यूक्लियस में. आरएनए आच्छादन न्यूक्लियस में. अनुवादन जो है वो होता है आपका साइटोप्लाज्म में. प्रतिकृति न्यूक्लियस में. और आरएनए पूछन भी किसमें होगा, न्यूक्लियस में. तो आप बताओ कितने प्रोसेस है जो न्यूक्लियस में परफॉर्म होंगे, गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5. ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. दैट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए करेक्टर दैट इज नॉट डिजायरेबल इन क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर में कौन सा करेक्टर डिजायरेबल नहीं है उसको आइडेंटिफाई आपको करना है. क्लोनिंग साइट होनी चाहिए. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट बिल्कुल एसेंशियल है. सेलेक्टेबल मार्कर जरूरी है ये भी बेटा. मैनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर कॉमनली यूज्ड आरई, ये डिजायरेबल नहीं होगा क्योंकि कॉमनली यूज्ड आरई के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट एक होनी चाहिए बेटा, वेरी फ्यू और वन. अगर एक से ज्यादा हो गई तो उसके जो फ्रेगमेंट हैं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, जिससे आपका क्लोनिंग है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी, तो ये डिजायरेबल नहीं होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ए क्लोनिंग वेक्टर हैज टू एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन. सीधा सा पूछा उसने बेटा, कोई आपके पास कोई क्लोनिंग वेक्टर है, कोई प्लाज्मिड मान लो, उसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, कौन कौन सी हैं. एक तो बताया इसने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन TETR और दूसरी है AMPR. PBR322 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं बेटा. इफ ए फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द टेट्रासाइक्लिन जीन, अगर आपने फॉरेन डीएनए को टेट्रासाइक्लिन जीन जो है उसमें अगर आपने इंसर्ट कर दिया, कहां, विद इन द टेट्रासाइक्लिन जीन, देन द नॉन रिकॉम्बिनेंट वुड सर्वाइव ऑन द मीडियम कंटेनिंग. अब सीधा सा पूछा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में सर्वाइव करेंगे. देखो ये तो हो गया रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पर आपका फॉरेन जीन ऐड हो गया, दैट इज रिकॉम्बिनेंट, जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल में प्रेजेंट होगा. और नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसके अंदर ओनली क्या होगा, प्लाज्मिड होगा. तो सीधी सी बात है, अब दो केस हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट. नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट दोनों में अपने को केवल बात करनी है नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की. तो आप बताओ बेटा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो कौन होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट जिनमें एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जीन दोनों क्या है, एक्टिव है, उनमें इंसर्शनल एक्टिवेशन नहीं है. इसका मतलब वो एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों मीडियम में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, इजिली ग्रो करेंगे. तो आपको यही सेलेक्ट आउट करना है, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वुड सर्वाइव ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन. किसमें, टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन दोनों मीडियम में सर्वाइव करेंगे. लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट अगर पूछ लेता, तो रिकॉम्बिनेंट जो है बेटा वो केवल
एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेंगे बट टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का जीन का क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इल्यूजन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन है। इल्यूजन ये होता है बेटा, इल्यूजन देखो, ये आपने क्या किया, जेल में डीएनए के बैंड बना लिए, ये क्या है, डीएनए की पट्टियां हैं, डीएनए बैंड्स। और क्या करना है आपको कि जेल से डीएनए को आइसोलेट करना है, तो इस पीस को काटना पड़ेगा, फिर काट के उसे डीएनए को निकाल लेंगे। तो बताओ इल्यूजन की डेफिनेशन, सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन एग्रोजेल, बिल्कुल गलत है, ये इल्यूजन नहीं है। स्टेनिंग द सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट, ये भी नहीं होगा। कटिंग आउट द सेपरेटेड डीएनए बैंड्स फ्रॉम द एग्रोजेल एंड एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द पीस, दैट इज इल्यूजन। एग्रोजेल से डीएनए पट्टियों को काट कर निकालना तथा जेल के टुकड़े से उन्हें निष्कर्षित करना क्या कहलाता है, छालन कहलाता है। कर लोगे? When isolating the pure DNA from a bacterial cell, the cell should not be treated with. तो अगर आपको bacterial cell से DNA को isolate करना है बेटा, ये देखो समझा देते हैं इसको, ये आपकी bacterial cell है, bacterial cell, और उसमें DNA को आपको निकालना है, तो obviously आपको treat करवाना पड़ेगा उसको, किससे, लाइसोजाइम का भी यूज करेंगे, प्रोटीएज का भी यूज करेंगे, राइबोन्यूक्लिएज आरएनएज का भी यूज करेंगे, लेकिन डीएनएज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो डीएनए क्या हो जाएगा बेटा, डाइजेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट। क्लियर, तो यहां पर डीएनएज का देखो लिखा है ना, शुड नॉट बी ट्रीटेड विद, किसी उपचारित नहीं करवाएंगे, डीएनएज से उपचारित नहीं करवाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ। नेक्स्ट, द फर्स्ट टाइप सेकेंड restriction endonuclease discovered that could cut dsDNA at a specific site was, सीधा सा पूछा है, जो first discovered RE था वो कौन था बेटा, प्रथम RE type प्रतिबंध endonuclease खोजा गया था, कौन सा खोजा गया था बेटा, Hind second, ये रहा Hind second, सीधा NCERT से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, ध्यान देना बेटा, जो गलत नहीं है, इसका मतलब आपको सही स्टेटमेंट को क्या करना है, जो सही है उसको आपको चुनना है। देखो, इन न्यूक्लिक एसिड द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सुगर इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बात समझ में आ रही है, न्यूक्लिक एसिड में जो फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सुगर का, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं होता बेटा, क्या होता है, फॉस्फेस्टर। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, आपको सेलेक्ट क्या करना है, सही कथन को सेलेक्ट करना है, तो ये नहीं होगा। ऑल टाइप्स ऑफ पिरिमिडिन आर प्रेजेंट इन डीएनए व्हाइल ओनली वन टाइप ऑफ पिरिमिडिन इज प्रेजेंट इन आरएनए, देखो सिंपल सा है बेटा, पिरिमिडिन कौन होते हैं, पिरिमिडिन, पिरिमिडिन का एग्जांपल बताएं तो उसमें आएगा आपका साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन होता है और आरएनए में साइटोसिन एंड यूरेसिल होता है। इसने क्या बोला, ऑल टाइप्स ऑफ पिरिमिडिन आर प्रेजेंट इन डीएनए, तो सारे पिरिमिडिन थोड़ा होते हैं डीएनए में, तो स्टेटमेंट ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। According to Watson Crick model, DNA consists of two polynucleotide strands. Those are parallel to each other. तो ये statement फिर क्या हो गया, incorrect, क्योंकि parallel नहीं होती है, क्या होती है, anti-parallel. In a nucleic acid, a phosphate moiety link the three carbon of one sugar of one nucleotide to five carbon of sugar of succeeding nucleotide. बड़ा simple है, यही तो कहना चाह रहा है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये अगला न्यूक्लियोटाइड है, ये ऐसे चेन बनी है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम कार्बन और अगले का 5 प्राइम कार्बन, उनके बीच में क्या बनता है, फॉस्फोराइज्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। देखो, न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड के एक शर्करा न्यूक्लियोटाइड में शर्करा हो गया ना, शर्करा का 3 प्राइम कार्बन
अनुवर्ती न्यूक्लियोटाइड, अगले वाले न्यूक्लियोटाइड के 5' कार्बन से फॉस्फेट समूह द्वारा जुड़ा होता है। कर लोगे? बिल्कुल सिंपल है। तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट वाला कौन सा बेटा? यहां पर ये है। ये इनकरेक्ट क्यों हो गया? ये पैरेलल हो गया। ये इनकरेक्ट क्यों हो गया? ओल्ड टाइप के नहीं होते हैं। ये इनकरेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं होता। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की जगह यहां क्या होता है? फॉस्फेट और शुगर के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बड़ा सिंपल सा है। देखो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन डाल दिया स्ट्रक्चर का भी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड? अभी बताया था न्यूक्लियोटाइड कौन होगा बेटा? जिसमें शुगर हो, फॉस्फेट हो और बेस हो। तो देखो इन चारों में किसमें शुगर, फॉस्फेट और बेस प्रेजेंट है। यही है बेटा, देखो फॉस्फेट ग्रुप, ये बेस है और ये क्या है? शुगर। ये तो हो गया आपका बेस, ये होगी शुगर और ये हो गया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर बिलोंग टू द न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड से कौन सा बिलोंग कर रहा है आपके सामने है। देखो मैक्रोबायोमोलिक्यूल बिल्कुल होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा क्या होता है? वृत्त जैव अणु, हो गया ना, मैक्रोबायो मोलिक्यूल। नाइट्रोजनस बेसिस आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड, बिल्कुल गलत हो गया बेटा। जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो होमोसाइक्लिक नहीं है, वो समचक्रीय नहीं होते, वो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय। प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोडाइस्ड बॉन्ड बिल्कुल होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइस्ड बॉन्ड होता है न्यूक्लियोटाइड के मध्य। पेंटोज शुगर भी होती है, तो बताओ कौन कौन से इससे रिलेटेड है? तो देख लो आपके सामने हो गया ना, ए सी एंड डी, सेलेक्ट करो बेटा ए सी डी कहां पे है? ओनली ए सी एंड डी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन ट्रांसलेशनल यूनिट? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ट्रांसलेशनल यूनिट में स्टॉप कोडोन भी होगा, स्टार्ट कोडोन भी होगा, प्रमोटर टर्मिनेटर नहीं होंगे बेटा, ये ट्रांसक्रिप्शन में काम आते हैं। सीक्वेंस ऑफ आरएनए कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड ये भी होगा, इसका मतलब प्रमोटर जो टर्मिनेटर है वो क्या है बेटा? अनुलेखनीय इकाइयां हैं, अनुवादनीय इकाइयां नहीं होती। तो इसने ये तो पूछा है कौन सा ट्रांसलेशनल यूनिट में इंक्लूड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। मैचिंग वाले क्वेश्चन आजकल खूब आने लगे बेटा, इन पे ध्यान देना है। पहला मैचिंग देखो, एएमपीआर जीन इज सेलेक्टेबल मार्कर, बिल्कुल सही है, करेक्ट मैचिंग है। हिंड सेकंड फर्स्ट डिस्कवर्ड आरी अभी आया था, बिल्कुल सही है। इक्वार फर्स्ट स्टिकी एंड प्रोड्यूसिंग आरी, बिल्कुल सही है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। लैक जेड जीन परमिएज, यहां गलत हो गया। लैक जेड जीन किसको कोड लिखित करती है बेटा? कोड फॉर बीटा गैलेक्टो साइडेज। तो आंसर क्या होगा आपका? इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है? फोर्थ। चले नेक्स्ट, विच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए विद इन रिकॉग्निशन सीक्वेंस एट सेंटर? बड़ा सिंपल सा पूछा है, बिल्कुल सेंटर पे कौन कट करता है? देखो ये आपका रिकॉग्निशन कोई सीक्वेंस है, ये यहां से, तो बिल्कुल सेंटर का मतलब हो गया बीचों बीच, आमने सामने। तो यहां देखो बेटा, इको आर फर्स्ट, हिंड थर्ड और साल्वन, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, ये कट कहां करेंगे? सेंटर से थोड़ा हटकर। लेकिन जो हिंड सेकंड है वो बिल्कुल सेंटर में आमने सामने कट करेगा। तो ये पूछा गया है, कट विद इन रिकॉग्निशन सीक्वेंस एट सेंटर, तो कौन है वो? हिंड सेकंड, ये याद रखना पड़ेगा बेटा। अच्छा पूछ लेता है क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिंड सेकंड जब भी काम करेगा तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है और ये बाकी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। कर लोगे? ये भी सिंपल, अच्छा क्वेश्चन। द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट इज नोन एज, ये डेफिनेशन सबने याद रखे बेटा, उसको क्या बोलते हैं अपन? नोन एज बायो पायरेसी, नोन एज बायो पायरेसी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बायो पायरेसी। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर कैन क्लोन द लार्जेस्ट एलियन डीएनए? तो चार वेक्टर के नाम है, लार्जेस्ट कौन करवाएगा बेटा? यैक करवाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? यैक।
YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ओके, इसमें इंसर्ट साइज सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होती है बैक, उसके बाद होती है आपका फेजमिड, उसके बाद सबसे कम किसकी, प्लाज्मिड की, याद रखना इसको भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है उनको कंसिडर करना है आपको। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसके अलावा दे दिया इसने जेनेटिक इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो बेटा तीनों ही ऑप्शन है जिसकी हेल्प से अपन फूड प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। देखना एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है आपका, ए बी एंड सी यूज करते हैं ना एग्रोकेमिकल। इसके अलावा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बोले तो बायो फर्टिलाइजर का यूज, जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, तो सारे यूज करने वाले हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट आउट करना है। द चॉइस ऑफ क्राइजीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बेटा। क्राइजीन का जो चुनाव है वो किस पर निर्भर करता है कि आपको कौन से क्रॉप के अंदर इसको इंसर्ट करना है और कौन से इंसेक्ट को किल करना है। द प्रोटीन एनकोडेड बाय द क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी कंट्रोल द कॉटन बॉल वर्म, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। इन द एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल एंड क्रिएट पोर दैट कॉज वेल सॉरी सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस द इवेंचुअली कॉज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये सारे स्टेटमेंट है, थ्योरेटिकल बातें समझाने के है नहीं इनमें, जो बीटी है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन अपन डिजाइन किया है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, करेक्ट हो गए। देखो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, अपने आप ही गलत हो गया बेटा। बीटी टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, बीटी करता है, बेसिलस थुरिंजियंसिस, सारे बैक्टीरिया नहीं करते हैं। तो बिल्कुल ये क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ पीसीआर, तो पीसीआर का कौन सा यूज नहीं है आप बताएंगे बेटा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन, बिल्कुल होता है। डिटेक्ट एचआईवी यूज करते हैं, आइडेंटिफाई द जेनेटिक ऑर्गेनिज्म करते हैं, सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट, ये पीसीआर का यूज नहीं है, ये किसकी हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। तो आंसर भी हो जाएगा आपका फोर्थ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। लिम्फोसाइट आर द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही है बेटा। जो लिम्फोसाइट है उन्हीं में ही एडिनोसिन डीएमएनएज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एडीए इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एडीए जो है इम्यून सिस्टम के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है कार्य करने के लिए। स्किड में कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडीए, स्किड का कारण क्या है, जो एडीए जीन है उसमें हो जाता है डिलीशन बोले तो म्यूटेशन, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है। ड्यूरिंग जीन थेरेपी फॉर स्किड ए फंक्शनल एडीए सीडीएन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लिम्फोसाइट यूजिंग प्लाज्मिड, यही गलत हो गया बेटा, प्लाज्मिड को यूज नहीं करते हैं, रेट्रो वायरस को यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आपको आंसर यही करना है, फोर्थ वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वाज जनरेटेड ड्यूरिंग ह्यूमन जीन एंड प्लाज्मिड वाज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरिया, हाउएवर द ट्रांसफॉर्म सेल डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायरेबल प्रोटीन रीजन कुड बी, अच्छा क्वेश्चन बनाया बेटा। मानव जीन तथा प्लाज्मिड से पुनर्योजित डीएनए बनाकर जीवाणु में स्थानांतरित किया गया, जबकि रूपांतरित कोशिकाएं वांछित प्रोटीन उत्पन्न नहीं कर रही थी, क्या कारण हो सकता है। आप सभी जानते हो बेटा मानव जीन जो होती है वो स्प्लिट जीन होती है, उसमें इंट्रॉन होते हैं, अगर आपने बैक्टीरिया में इसको ट्रांसफर कर दिया तो उससे बनेगा एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया में एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने की मशीनरी नहीं होती है, इसलिए वहां पर प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो आपको इस आंसर पे जाना होगा, ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस, बिल्कुल सीधा आंसर ये हो जाएगा आपका, इससे कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ह्यूमन जीन में क्या है, इंट्रॉन है, और बैक्टीरिया इंट्रॉन को एचएनआरएनए से नहीं हटा पाएगा, उनकी प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। क्लियर है। वी हैव ए बैक्टीरिया दैट कंटेन नेटिव प्लाज्मिड, इफ वी आइसोलेट द टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड सेपरेट बाय टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाउ मेनी बैंड्स आर विजिबल, बिल्कुल सिंपल है बेटा। बैक्टीरिया की बात करें अपन
तो बैक्टीरिया में देखो मेन जीनोम होता ही है, ये बैक्टीरिया बेटा, इसमें ये है मेन जीनोम, और इसके अलावा उसमें प्लाज्मिड भी, कह रहा है कि प्लाज्मिड भी है, छोटा सा प्लाज्मिड बहुत छोटा होता है। तो आप इसके डीएनए को पूरे को निकाल के इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओगे तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो पट्टियां दिखाई देंगी, एक तो बड़ी पट्टी ऊपर और एक छोटी पट्टी। तो ये छोटी पट्टी तो किसकी है, प्लाज्मिड की, और ये किसकी है, मेन जीनोम की। तो हाउ मेनी बैंड्स आर विजिबल, तो आंसर क्या जाएगा, टू बैंड्स, एक तो प्लाज्मिड का, दूसरा मेन जीनोम का। नेक्स्ट, इन एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ इलेक्ट्रोफोरेसिस जब भी करते हैं तो डीएनए जो बैंड है सेपरेट है, उनका बेसिस क्या बेटा, साइज है, साइज के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो सीधा आंसर हो जाएगा साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, आंसर विल बी सेकंड, साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। क्लियर, सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब आपको रॉन्ग ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट आउट करना है। दे फाउंड ओनली इन किसके, आरई के रेस्पेक्ट में, दे फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल सही बात है बेटा, आरई जो है केवल प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। दे बाइंड टू डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन बैकबोन, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्ट्रैंड को क्या करेंगे, कट करेंगे। टिल नाउ मोर देन 230 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम, बिल्कुल गलत है बेटा, यही आंसर होगा आपका। अभी तक 900 से ज्यादा जो है अपन क्या कर चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं, इसने क्या बोला है 230, ये डेटा देखो रिवर्स कर दिए, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बड़ा सिंपल है, पैलिंड्रोमिक कौन होते हैं, जिनको दोनों स्ट्रैंड में अगर रीड करोगे तो उनका सेम सीक्वेंस आना चाहिए, तो क्या होगा पैलिंड्रोमिक, देखो बेटा ये पैलिंड्रोमिक है, जी ए ए, देखो तुम्हारे सामने एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जी ए ए, इधर भी जी ए ए, टी टी सी, टी टी सी, जी जी, जी जी, सी सी, सी सी, हो गया जी ए टी, जी ए टी, ए टी सी, ए टी सी, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। ए ए जी, इधर देखो कहां ए जी है ही नहीं ना, इसका आपका आंसर क्या होगा बेटा, फोर्थ होगा। डीएनए सिंथेसिस कैन बी स्पेसिफिकली मेजर्ड बाई एस्टिमेटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड, अगर आपको पता लगाना है कि डीएनए का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, नया डीएनए बना कि बना, उसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, रेडियो लेबल्ड थाइमिन का यूज करेंगे, क्योंकि थाइमिन किसमें होता है, केवल डीएनए में। ओके, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंपल है, थाइमिन। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, बड़ा सिंपल है, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, देखो बेटा ये स्ट्रक्चर, ये कौन है, एच दे रखा है ना यहाँ पर, तो इससे पता लग जाएगा आपको कि ये आपका है, कौन हो गया ये, डीऑक्सी राइबोज, ये कौन है, एडिनिन, ये कौन है बेटा, ये दो फॉस्फेट हैं, तो नाम क्या होगा इसका, एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, देखो कहाँ है, डीऑक्सी एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, ये हो जाएगा आपका आंसर, दो फॉस्फेट है ना, तो डीऑक्सी, ये तो हो गया डीऑक्सी एडिनोसिन और डाई फॉस्फेट, कर लोगे, सिंपल है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट विद ए नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, स्टेनले कोइन एंड हर्बर्ट बॉयर की बात कर रहा है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम बताओगे मुझे किसका यूज किया था, नेटिव प्लाज्मिड किसका काम में लिया था, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, ये रहा साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द ए, जैसे एग्जांपल दूं आपको बेटा, ये आपका इको आर फर्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, इको आर फर्स्ट, तो बताओ यहां पर जो फर्स्ट लेटर आया है वो किससे आया है, जीनस से, और जो सेकंड टू लेटर है वो किससे, स्पीशीज से, यही पूछा है, फर्स्ट लेटर नेम कम फ्रॉम द ए कौन है यहां पर, जीनस, एंड द सेकंड टू लेटर कम फ्रॉम बी कौन है यहां पर बेटा, स्पीशीज इन प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे आर देवर आइसोलेटेड, तो ऑब्वियसली यहां पर ए और बी जो है उसे रेस्पेक्टली बताना आपको कौन होगा,
जीनस एंड स्पीसीज हो गया ना, ई इश्चेरिसिया दैट इज जीनस, कोलाई कोलाई क्या होगा बेटा स्पीसीज। ओके सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्टिकी एंड फैसिलेट, स्टिकी एंड फैसिलेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, बिल्कुल सही है। रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, बिल्कुल सही है। जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है तो डीएनए डिफरेंट सोर्स यूज करेंगे, तभी क्या बोलेंगे उसको आरडीएनए। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, बिल्कुल करेक्ट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियो फेज। क्या कहना चाह रहे हैं, जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, गलत हो गया बेटा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ये बैक्टीरियो फेज की ग्रोथ को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट कौन सा है, फोर्थ। देखो प्रतिबंधन एंजाइम जीवाणु भोजी की उपस्थिति में जीवाणु की वृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार है, गलत हो गया, उल्टा होना चाहिए था। तो आंसर भी होगा आपका फोर्थ। मैच द कॉलम फर्स्ट सेकंड, सीधा मैं मैच कर रहा हूं बेटा, अपने आप कर लोगे। सुपर बग किसको बोलते हैं, सुडोमोनास पुटीडा, सुपर बग सुडोमोनास पुटीडा। गोल्डन राइस विटामिन ए रिच, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, डायरेक्ट करना है तो हिटसॉक मेथड, और इनडायरेक्ट जीन के लिए वेक्टर काम में लेते हैं टीआई प्लाज्मिड, कर लोगे, सिंपल है। फॉर वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्ड विद जीन गन इनटू होस्ट सेल आर मेड अप ऑफ, तो डीएनए को किससे कोट करवाते हैं अपन बेटा, गोल्ड एंड टंगस्टन। तो यहां पर आपको पहचाना ये रहा, देखो गोल्ड एंड टंगस्टन हो जाएगा ना, ये गोल्ड और ये कौन है टंगस्टन, आंसर भी हो जाएगा आपका फोर्थ। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड फॉर, जब बोल ही दिया बीटी ब्रिंजल तो बीटी प्लांट जो है वो किसके लिए डेवलप किए गए हैं बेटा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है जो अपने आप को इंसेक्ट से बचा लेते हैं। तो क्या बोलोगे, एनहेंसिंग सेल्फ लाइफ, ये रहा ना सीधा ऑप्शन आ गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। अरे बेटा बीटी जो प्लांट होते हैं, बीटी प्लांट वो कौन होते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं, कर लोगे क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा था। तो ये हो गया बेटा आपका सॉल्यूशन, टोटल 55 क्वेश्चन थे, पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा, फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी, और ये वही क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किए गए हैं जो अक्सर आते रहते हैं, और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको सारे एनसीईआरटी से रीड करने हैं। ओके तो आपका जो नेक्स्ट पेपर है लास्ट में डीटीएस है, तो उसको भी बहुत बेहतर करना है आपको, और आपका स्कोर बहुत मायने रखेगा बेटा इनका, क्योंकि ये पूरे नीट पैटर्न के पेपर है। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट।